हेलो बच्चों, कैसे हो? नमस्कार। कशा सके बढ़िया ना? निमिता क्वेश्चन। आज अपना गणित की भाषा में मैं बोलना चाहूंगा कि आज हम कुछ एक्स्ट्रा और परफेक्ट कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है? आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, उस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, शेरो शायरी के साथ एक हमारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे सुमित सर के साथ। चलो शायरी देखते हैं। आज सर आप बोलेंगे, सर आपने हमारे लिए शायरी क्या लाई है, देखते हैं शायरी क्या है। शायरी आपके लिए ये, ना थके है पाव अभी, ना थके है पाव अभी और ना ही हिम्मत हारी है, ना थके है पाव अभी और ना ही हिम्मत हारी है। ये खेल चाहे किसका भी हो, ये खेल चाहे किसका भी हो, इस खेल में अब सुमित सर की बारी है, मीन्स हमारी बारी, ऐसा बोलना है मतलब था। ओके चलो ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं शायरी के साथ। हमारा लेक्चर नंबर 3 है, कुछ क्वेश्चन की बातें करेंगे और कुछ कंसेप्ट की बातें करेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट। ओके सर, ये वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है हमें। डिफिकल्ट नहीं है, जो डिफिकल्ट लगता है वो मैथमेटिक्स नहीं होता। सर कैसे, आप बोलते हो केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत इजी होता है और मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट हम उसको बनाते हैं। ठीक है चलो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपको दिया है, एक सिक्वेंस दिया आपको, मैं वो सिक्वेंस रीड नहीं कर रहा हूँ, एक सिक्वेंस दिया आपको और इज इक्वल टू में आपको कंडीशन क्या दी है, एस माइनस टू रेस टू 11 और फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं देन एस इज इक्वल टू, आपको वहां पे एक्स एस की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ मिस किस एग्जाम में आए हैं, जेई मेंस में 2020 में आया हुआ यह क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे पीवाई क्यूज की हम बातें करेंगे। ठीक है चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जरा हमें बताओ, दिया क्या है, निकालना क्या है? अरे वही उधर तो दिया है ना, एक सीक्वेंस दिया है, उस सीक्वेंस का यूज करके आपको क्या करना है, एस की वैल्यू डिफाइन करनी है। ठीक है चलो आते हैं, जो आपको पहले सीक्वेंस दिया है वो पहले लिखते हैं। सीक्वेंस क्या दिया है, सीक्वेंस दिया है आपको 2 raised to 10 प्लस 2 raised to 9 इंटू 3 raised to 1 प्लस 2 raised to 8 इंटू 3 square, ओके प्लस अप टू सो ऑन। नेक्स्ट लास्ट सेकेंड लास्ट टर्म क्या दिया आपको, 2 into 3 raised to 9 प्लस 3 raised to 10, ओके ये आपको सीक्वेंस दिया। अब देखो बच्चों, जब कोई भी सीक्वेंस आपको दिया गया है क्वेश्चन में, तो पहले ठंडे दिमाग से ये सोचो क्या दिया है, क्या निकालना है। पहले समझने वाली बात ये है, ये जो सीक्वेंस है आपका, ये सीक्वेंस जो बड़ा वाला आपको दिया है, इसमें आपको फाइंड करना है ए। पहला ए क्या होगा सर, 2 raised to 10 होगा। सर इसके बाद आप क्या फाइंड करते हो, एपी में हमने देखा था, उस वहां पे एपी में डी फाइंड किया था हमने, बराबर। तो डी फाइंड किया तो आर हमने क्या लिया था, हमने आर क्या लिया था, मीन्स हम क्या करते हैं, बड़े बड़े को छोटे से डिवाइड करते हैं, बराबर। तो यहाँ पे हम आर की वैल्यू क्या लेंगे कि आपको 2 raised to 9 इंटू 3 raised to 1 मिलेगा। चलो देखते हैं, हमारा फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 2 raised to 10 है, बराबर। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2 raised to 9 और 3 raised to 1 मिलेगा। सिंपल देखो, सिंपल है सर, 3/2। इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो उसकी पावर -1 में होगी, तो 10 में से 1 गया तो 9 आ जाएगा और 3 आपका एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे आर क्या होगा हमारा, 3/2। सर खतरनाक, सर खतरनाक। ओके सर, सर और कुछ बचा इसमें, सर एन की वैल्यू, एन की वैल्यू सबसे हाईएस्ट पावर हमारे दिए वहां पे 11। ठीक है, अभी जो मैंने आपको दो फॉर्मूले पिछले लेक्चर में बताए थे, फाइनल आंसर लिखते वक्त, फाइनल आंसर आप जब लिखोगे तब, अब मुझे जरा बताओ सर, पहले ए की वैल्यू पुट आउट करेंगे, ओके ब्रैकेट में, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते हैं, चलो ठीक है, ब्रैकेट में 3/2 ब्रैकेट रेस टू, एन की वैल्यू क्या है, 11 है सर, -1 अपॉन डिवाइड में, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, ओके सर ठीक है। सर ये तो लिखा आपने, नीचे क्या होता है, आर एस टू एन -1 अपॉन आर -1, आर आपको दिया है तो 3/2 -1। चलो ठीक है, ये आपने फाइंड किया, इसके आगे वाली स्टेप सर क्या क्या होगी, ठीक है, 2 raised to 10 आपका एज इट इज रहेगा ब्रैकेट में। अभी देखो 3/2 के पावर में 11 है, इसका मतलब दोनों के पावर में 11 है, अलग अलग उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो समझो जब इसको मैं अलग अलग करता हूं तो मुझे ऐसा मिल सकता है क्या, 3 raised to 11 -2 raised to 11 और डिनोमिनेटर में जो 2 raised to 11 है वो क्या आएगा,
डिनोमिनेटर में आएगा, तो 3/2 - 1 क्या होता है 1/2, तो 2^11 × 1/2। अब देखो सर इसमें से कैंसिल आउट क्या हो रहा है, जब 2 को आप ऊपर लेके जाओगे ना तो 2 की पावर क्या होगी -1 होगी, और फिर 11 में से 1 गया 10 बचेगा, इसका मतलब ये और ये डायरेक्टली क्या होगा कैंसिल आउट होगा। उसके बाद सर आपका आंसर क्या है, आपका बचता क्या है सिर्फ 3^11 - 2^11। सर इसको हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, इस वाले पार्ट को इसके साथ हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तो जरा बताओ कंपेयर करने की बात क्या आएगा कि आपका s - 2^11 = आपका हो जाएगा 3^11 - 2^11। ठीक है ओके सर, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो आपको s की वैल्यू क्या मिलेगी, s = 3^11। आपको आया है समझ में, ऐसे में समझता हूँ दिस इज द आंसर। आपके ऑप्शन में आंसर है ये तो नहीं है, ये वाला भी पार्ट नहीं है, ये भी नहीं है, ओके ये देखो 3^11 इज द आंसर। ठीक है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, आप उसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हो। ओके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो नहीं दिख रहा है तो वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को समझो और फिर सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है चलो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है हमें, डिफिकल्ट नहीं है, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, डिफिकल्ट हम बनाते हैं। सर कितनी बार बोलोगे आप डिफिकल्ट। ओके चलो क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में, PYQ है ये। ठीक है चलो देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। आपको मैंने पहले ही बता के रखा है जब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो पहली बात डरना नहीं है, ओके डट के रहना है आपको, सुमित सर की बात याद रखिए, डरना नहीं है, क्या करना है डट के रहना है। चलो ठीक है सर, आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, उस जो सीक्वेंस दी है ना वो इन्फिनिटी तक जा रही है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने पिछले वाले लेक्चर में इन्फिनिटी वाला पार्ट आपको बताया था सर, क्या बताया था इन्फिनिटी वाला पार्ट, जब कोई भी सीक्वेंस हमारा इन्फिनिटी की तरफ जाता है तरफ, तो वहां पे हमारा फॉर्मूला क्या बनता है a/(1 - r) फॉर्मूला बनता है बराबर, तो वही फॉर्मूला का हम यहाँ पे क्या करेंगे खतरनाक यूज करेंगे। ठीक है चलो सर, सर पहले आप सीक्वेंस लिखो, आप जरा बहुत ज्यादा बोलते हो सर, नहीं बोलना मेरा काम है सिखाना मेरा काम है वो तो मैं करता ही रहूंगा। ओके सर आप करते ही रहिए सर, हम सुनते ही रहेंगे सर। ठीक है ओके चलो सर 2, 4 ओके सर आपने 8 तो लिखा ही नहीं, गलती है हमें बोलते हो गलत आते हो आप भी गलतियां करते हो सर। ठीक है लिखते हैं सर, कभी कभी कुछ कुछ होता ही रहता है, टेंशन मत लीजिए। ओके 1/128 बराबर अब तो कहां तक जा रहा है इनफिनिटी तक जा रहा है। ओके चलो ठीक है आपको क्या दिया प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन दिया है, चलो सॉल्व करते हैं। ओके पहले सॉल्व करने से पहले मुझे कोई बताएगा इसका हम बेस सेम कर सकते हैं क्या, इस सीक्वेंस का बेस सेम कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। ओके कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा ही, ठीक है चलो ठीक है करके देखते हैं। पहला वाला तो एज इट इज रहेगा सर, दूसरा वाला क्या बनेगा 2 की पावर 2 करोगे और उसके वापस 16 करोगे, ओके वापस इंटू प्रोडक्ट दिया इसलिए प्रोडक्ट में लिख रहा हूं, इसको मैं कैसे लिखूंगा 2 की पावर 3 उसका प्रोडक्ट होगा 1/48। ठीक है उसके बाद वापस 16 है तो उसको कैसे लिखेंगे 2, ओके 2 की पावर 4 बराबर ना 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, ओके सर 128 अब टू हो तो कहाँ पे जा रहा है इन्फिनिटी तक की तरफ जा रहा है। ठीक है ओके चलो सर, सर आपका दिमाग कैसे चलता है, मेरा दिमाग चलता नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स टू मैन परफेक्ट, 2 से डिवाइड करो 2 × 1 = 2, 8 × 3 इसको डिवाइड किया तो आएगा आई गेस 16, देन 4 यहाँ पे आएगा 128 है, तो यहाँ पे आएगा 32। ठीक है तो आपका सीक्वेंस क्या बनेगा 2 की पावर 1/4 × 2 की पावर 1/8 × 2 की पावर 1/16 × 2 की पावर 1/32। ठीक है सर ये कहाँ तक जा रहा है, ये आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है सर इसके आगे क्या करोगे, इसके आगे क्या करोगे, इसके आगे क्या करेंगे सर,
ठीक है देखते बेस में तो पावर के हम क्या करेंगे खतरनाक एडिशन कर देंगे तो 2 के पावर में क्या लिखेंगे सर 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 ओके थोड़ा सा जीरो दिख रहा है वो ठीक है ओके अप टू सो ऑन किस तरफ जा रहा है इंफिनिटी की तरफ जा रहा है सर ठीक है सर नेक्स्ट स्टेप क्या होगी सर इसमें आपका जो ए है वो ए क्या बनेगा आपका 1/4 बनेगा ये क्या बनेगा हमारा 1/4 बनेगा ठीक है सर सर इसमें आर क्या बनेगा आर आपका देखो करके आर आपका बनेगा 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 1/2 बनेगा आर ठीक है सर तो सर इसके आगे वाले स्टेप में आपका दिमाग कैसे चलेगा कि क्या करना है आपको आगे सिंपल देखो ए आपके पास है आर आपके पास है तो यहाँ पे इंफिनिटी वाला फॉर्मूला कौन सा टू यहाँ पे लिखता हूं एस इंफिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 - r ये फॉर्मूला का यूज हम करने वाले हैं ठीक है दूसरे समझने वाली बात यह है कि जो पावर में आपको दिया है वो मैटर करता ही है ठीक है उसकी कुछ बात नहीं है तो उसमें ही उस सिक्वेंस के लिए ही आपको वो फॉर्मूला यूज करना है ठीक है तो पावर में क्या होगा ऊपर 1/4 नीचे 1 - 1/2 बराबर ना ओके सर करेक्ट बोल रहे हो आप सर ठीक है तो 2 की पावर में क्या आ जाएगा सर 2 की पावर में आएगा 1/4 आपका एज इट इज डिवाइड में 1/2 तो इसका ही मतलब क्या होता है 2 की पावर में 2/4 इसका ही आंसर क्या होता है 2 की पावर में 1/2 इसका ही आंसर क्या होता है सर √2 होता है ठीक है खतरनाक समझ में आया आपको खतरनाक सुमित सर के साथ जुड़े रहो आपको इससे भी खतरनाक क्वेश्चन समझ में आएंगे ठीक है आपके ऑप्शन में √2 है नहीं है √2 नहीं तो क्या हुआ आपके से जुड़ हुआ भाई है ना 2 के पावर में 1/2 ये आंसर्स नहीं है हमारे हमारे आंसर्स ये है इज द करेक्ट ओके खतरनाक क्वेश्चन की बातें करेंगे ओके मिस डिफिकल्ट पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं कैसा होता है पता है कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा कि आप जो कैलकुलेशन में ज्यादा फोकस कर मींस कैलकुलेशन आपका परफेक्ट नहीं हो कंसेप्ट आप दोनों मींस मैथ्स में क्या होता है कैलकुलेशन और कंसेप्ट दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे ना तो खतरनाक आपके मैथ्स के 25 क्वेश्चन मेंस में हो जाएंगे ठीक है बट कंसेप्ट पता है कैलकुलेशन नहीं होता है टाइम एक्सटेंड होगा टाइम बढ़ जाएगा कम क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे कैलकुलेशन आता है कंसेप्ट पता ही नहीं है फिर भी वैसे ही होगा इसलिए दोनों के साथ जुड़े रहना है तो सुमित सर के साथ जुड़े रहो ठीक है ओके चलो ठीक है ये वाला क्वेश्चन समझ में आए तो फटाक से आप क्या कर सकते हो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सर ठीक है चलो सर ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में सर चिल्लाओ मत ठीक है इफ क्वेश्चन क्या देखो इफ मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 और क्वेश्चन देखने से पहले ये क्वेश्चन है जो आपको जेईई मेंस में 2020 में आया वो क्वेश्चन है 20 वाले क्वेश्चन लेंगे और भी मींस पढ़े बहुत पढ़े हैं क्वेश्चंस बहुत करेंगे टेंशन मत लीजिए ठीक है नजरिया स्क्रीन पे चाहिए नजर स्क्रीन पे नहीं होगी तो प्रॉब्लम आपको होगी मुझे नहीं तो ठीक है इफ मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 एंड कॉमा क्या कर दिया है मॉड वाई लेस देन 1 एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स वाई के बराबर नहीं है देन सम ऑफ द इंफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज एक्स प्लस वाई एक सीरीज दी है प्लस ये तो सॉल्व ठीक है अभी जब आप किसी कंसेप्ट को आप सॉल्व करते हो ना तो एक बात आपको पता होनी चाहिए जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ ठीक है क्या है देखो सर सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको पता है अरे मुझे पता है आप देखो आपको आता है क्या चलो ठीक है गुस्सा मुझे मत दो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इसको पहले भी लिख सकते हो ऐसा कुछ नहीं है ठीक है चलो तो पहले लिखते चलो ये तो बोलेंगे सर ऐसा करते हो ना आप पहले माइनस वाला होता है भाई कैसे भी करवाए आप एक्स प्लस वाई धासु सवाल है धासु बोलूंगा भैया धासु सवाल ठीक है चलो सर इसके आगे वाला कंसेप्ट भी आपने बताई थी पिछली वाले ब्रिज कोर्स में यस करेक्ट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब चलो देखते एक्स क्यूब माइनस वाई क्या होता है पहले होता है एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में उसको हम क्या करते हैं पता है स्प्रेड आउट करते हैं इसमें से एक पावर कम तो हो गई है तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाई बराबर ना एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाई प्लस लास्ट में वाई स्क्वायर ठीक है मींस उसके बाद नेक्स्ट वन सर एक्स के पावर में 4 वाई के पावर में 4 बताइए कैसे करेंगे पहली बात x माइनस वाई आपका एज इट इज दूसरी बात एक पावर तो कम हो गई तो यहाँ पे आएगी एक्स क्यूब
यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ये आया समझ में? ठीक है सर। सर इसके आगे, सर इसके आगे आगे जा रहे हो आप, ज़रा धीरे से करो। ओके, एक्स रेस टू फाइव माइनस वाई रेस टू फाइव। ठीक है चलो सर, ऐसे कुछ अलग ही लग रहा है, बताया है कुछ, अब कोई अलग ही कर रहे हो, इसका यूज होने वाला है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है चलो देखते हैं कैसे करते हैं। एक्स माइनस वाई आपका एज इट इज आएगा, ब्रैकेट में एक ही पावर कम हो गई सर, तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर में फोर एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, उसके बाद क्या होगा, एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस 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 क्या पूछेगी सर, एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये सब कुछ गलत ही लिखा आपने, एक्स एस टू फोर तो लिखा ही मैंने, यहाँ पे आएगा वायरस टू फोर बराबर ना, वायरस टू फोर सर करेक्ट हो, होशियार। चलो ठीक है, ये जो लिखा है ना इसका यूज आपको वहां पे करना है, कैसे बता दो आपको। अभी ये जो सीरीज दी है ना उसको हम ऐसे लिखते हैं इधर, एस इज इक्वल टू क्या दिए, देखो क्या दिए है, एक्स प्लस वाई प्लस क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस, कैसे करेंगे सर। ओके सर, सर आवाज विवाज मत निकालो ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है चलो, ठीक है ओके सर। सर इसको आगे के सॉल्व कैसे करने का है, ठीक है सिंपल देखो, जिस जिस ये जो सीरीज दी है ना इसमें सभी टर्म इस तरफ के दिख रहे हैं आपको, ये वाली तरफ दिख रहे हैं, उसमें एक्स माइनस वाई दिख ही नहीं रहा है आपको। ठीक है उसको हम क्या करेंगे, जो इसको लाया ही नहीं है वो उसको हम क्या करेंगे, अपने घर में लाएंगे और उसको अच्छे से बड़ा करेंगे। ओके अच्छे से उसको छोटे से बड़ा करेंगे, ठीक है एग्जाम्पल को। ठीक है चलो, ठीक है आगे सॉल्व करते हैं। सर ये जो आपने लिखा था ना ये वाला पार्ट, वो बहुत खतरनाक समझ में आ रहा है हमें। ठीक है सर, ओके बच्चों क्या दिया था हमने, एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स रेस एक्स क्यूब प्लस और क्या था, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई ना मीन्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है सर, सर आप खतरनाक बता रहे हो सर, इसके आगे क्या स्टेप बनने की। अभी हम क्या करेंगे, पिछले वाले पार्ट में यहाँ पे एक्स माइनस वाई किधर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए इस पूरे टर्म को हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका एस क्या बनेगा, वन अपॉन एक्स माइनस वाई और दूसरी ब्रैकेट में सर क्या बनेगा, इसको आप एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन सकता है। ओके इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन सकता है क्या, बराबर ना बच्चों। ओके इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन सकता है क्या, एक बन सकता है ये। इसके आगे क्या हो जाएगा सर, एक्स के पावर में, सर जरा अच्छे से लिखो, एक्स के पावर में फाइव माइनस वाई के पावर में फाइव प्लस अप टू सो ऑन, कहाँ तक वो जाने वाला है, इन्फिनिटी तक जाने वाला है। ठीक है सर, सर ये तो आपने बताया, खतरनाक बताया आपने। ओके ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है वो। ओके ये वाला पार्ट देखिए, ठीक है ओके चलो ठीक है। ओके सर, सर इसके आगे वाले पार्ट में और अभी और क्या करने वाले हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अरे एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स है ना, एक्स वाले टर्म उसको अलग करो, वाई वाले टर्म को अलग करो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एस इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वाई आपका एज इट इज, तो ब्रैकेट वाले फॉर्म में क्या बनेगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू फोर प्लस अप टू सो ऑन। सर आपने एक्स रेस टू फाइव लिखा ही नहीं, लिख दो ना आप सर फिर, ठीक है
प्लस अप टू सो एंड इन्फिनिटी तक। ओके माइनस साइन में क्या करूंगा, कॉमन लूंगा, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद जो वाई वाला टर्म एक साथ लाऊं तो क्या बनेगा सर, वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई रेस टू फोर प्लस अप टू सो ऑन। सर वापस अपने फाइव वाली टर्म लाई ही नहीं, ठीक है चलो ठीक है, ये जाएगा इन्फिनिटी तक। ओके ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से हम मैनेज करते हैं। ठीक है सर, इसके बाद क्या होगा, कोई भी टर्म आपके इन्फिनिटी की तरफ जा रही है इसका मतलब यहाँ पे ए और आर फाइंड होगा, यहाँ पर भी ए और आर फाइंड होगा। चलो ठीक है देखते हैं क्या है, एस इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वाई। ओके चलो यहाँ पे ए क्या है, ए आपका ए है एक्स स्क्वायर और आर क्या है हमारा एक्स, ठीक है यहाँ पे ए क्या है हमारा वाई स्क्वायर और आर क्या है वाई। पुट आउट करो और फटाफट मुझे बताओ, वीडियो पॉज करके खुद कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस वाई। ठीक है सर, सर इसके आगे वाले स्टेप में क्या होगा, इसके आगे वाले स्टेप में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो क्या होगा वन अपॉन एक्स माइनस वाई, इस पूरे ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वन एक्स स्क्वायर सर, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है सर, माइनस साइन है इधर तो माइनस वाई स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर सर, माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस एक्स तो क्या होगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा सर, यहाँ पे आपको मिलेगा वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस वाई। ठीक है सर, सर इसके आगे वाले स्टेप जरा बताओ क्या होंगे हमारे, सिंपल देखो इसमें से इन इन दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, किनको कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने की जरूरत नहीं, इसमें से कॉमन निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो डायरेक्टली फटाक से हम क्या करेंगे एस इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वाई और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ओके प्लस प्लस वाला फॉर्म पहले लेंगे तो इसमें से एक्स वाई कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में क्या होगा वाई माइनस एक्स। ओके सर ठीक है सर, कितने फास्ट करते हो, होशियार हो आप, मैं होशियार ही आपको होशियार बनाना है मुझे। ठीक है यहाँ पे होगा वन माइनस एक्स और यहाँ पे होगा वन माइनस वाई। ठीक है सर, सर इसमें से कैंसिल आउट क्या हो रहा है सर, इसमें से कैंसिल आउट क्या हो रहा है सर, इसमें से कैंसिल आउट ये x माइनस वाई एक्स माइनस वाई, इसमें से x माइनस वाई कॉमन निकालने से के बाद यहाँ पे देखो x का साइन प्लस है माइनस है इधर प्लस है तो इसमें समझो माइनस वन में कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा x माइनस वाई बनेगा, इसका मतलब ये आपको माइनस वन निकालना पड़ेगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे s इज इक्वल टू कॉमन निकालना है इधर कॉमन निकालना है। ठीक है सर, सर उसके बाद बचता कौन है, बचता कौन है, बचता कौन है सर। ओके ये एक्स वाई इंटू वाई माइनस वन माइनस एक्स वाई तो बनेगा आपका एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन अपॉन क्या बनेगा सर वन माइनस एक्स एंड वन माइनस वाई। दिस इज द खतरनाक आंसर आपका यार, आपको क्वेश्चन समझ में आया ऐसे में समझता हूँ। ठीक है थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, दिमाग नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम आपको आएगी। ठीक है चलो सर, देखो आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाक से हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। ठीक है ये वाला आप खुद भी लिख सकते हो। ठीक है हमारा आंसर क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस माइनस माइनस, ऊपर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस वाले में तो ये तो नहीं आएगा, ये भी नीचे माइनस माइनस है तो ये ऊपर प्लस प्लस है नहीं आएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके अब वो क्वेश्चन समझ में आया है ऐसे मैं समझता हूँ और हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। ठीक है जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चलो फटाक से जाते हैं। ओके सर, सर आपने जो लिखा है ना यहाँ पे क्या लिखा है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी क्या होता है, एचपी का मतलब बताने के लिए जो पिछले लेक्चर्स है ना एपी के बारे में जो हमने बताया था आपको उस आपको पता होना चाहिए, पिछला वाला लेक्चर देखो फिर हम बताते हैं कि एचपी क्या होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ, एचपी के बारे में देख रहे हैं हम, इफ कोई भी सिक्वेंस आप जब लेते हो तो कभी कोई भी सिक्वेंस हम ऐसे लिखते हैं ए वन ए टू ए थ्री अप टू सो ऑन, लास्ट की टर्म आपकी जो होती है लास्ट की टर्म वो हम होती है ए एन होती है बराबर, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ एचपी बोल सकता हूँ।
क्या बोल सकता हूँ, एचपी उसको मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, अब देखो हम कोई भी एचपी हो उसको कन्वर्ट करना है आपको, किसमें कन्वर्ट करना है, एपी में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, एपी में। जब आप किसी भी एचपी को एपी में कन्वर्ट करते हो तो क्या बनता है सर, वो बनता है सर 1/a1 और बनेगा 1/a2 और बनेगा 1/a3 अप टू सो ऑन, वो बनेगा 1/an। ठीक है सर, खतरनाक आपने बताया सर। सर इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे एपी। एचपी को हम कन्वर्ट करते हैं एपी में, वो बनती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सर ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम फर्स्ट टर्म। क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म। ठीक है, ओके सर। सर ये लास्ट टर्म आपको बताइए, वो बताने की जरूरत नहीं है। ओके सर, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, सर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एन टर्म्स होते हैं। ठीक है, ओके सर। कॉमन डिफरेंस आपको पता है, एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस हमारा होगा, कॉमन डिफरेंस हमारा होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा, डी। ओके, आपको ये वाला पार्ट समझ में आता है। याद रखिए कोई भी एचपी आपको दी जाए तो इसको हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसको एपी में कन्वर्ट करते हैं, फिर सॉल्व करने का हम ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये फर्स्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स एन टर्म्स होंगे और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होगा हमारा डी। ठीक है, समझ में आया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। आपको समझ में आया, ऐसे में समझता हूँ। ठीक है, चलो सर। सर और क्या बताने वाले हो, और एक मैंने कुछ आपके लिए लाया है खतरनाक और जबरदस्त इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपके स्क्रीन पे ये है। सर आप इतना बोलते हो, मुंह नहीं दिखता आपका, नहीं दुखता। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला वाला जो पार्ट मैंने लिखा है, क्या लिखा है, इफ, क्या लिखा है, इफ ए बी सी आर इन एच पी देन। अब देखो यहाँ पे थ्री टर्म्स दिए, ओनली थ्री टर्म्स दिए, बराबर। तो कभी भी याद रखो जब आप थ्री टर्म्स दिए जाते हैं तो उसके दो ही फॉर्म बनते हैं, एक पहला वाला फॉर्म बनता है, एक पहला वाला जो फॉर्म बनेगा वो बनेगा 2/b = 1/a + 1/c। इसको और एक तरीके से आप लिख सकते हो, कैसे सर, कैसे आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं, कैसे दिखाता हूं, ऐसे लिख सकते हो कि ओके b = 2ac / a + c, इस फॉर्म में भी आप उसको लिख सकते हो। ठीक है सर, ये जो एचपी आपने लिखा है, एचपी लिखा है, बनता कैसे है, ठीक है, देखते हैं बनता कैसे हो। ठीक है, इसको आयरन में इधर लिखते हैं। पहली बात जो दिया है वो पहले लिखते हैं, ए बी सी आर इन एच पी। ठीक है, अभी ये एच पी दिया है तो इसको कन्वर्ट किस में करते हैं, हम एपी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद पहला फॉर्म मिलेगा आपको 1/a1 / a1 / b / c। सर इसको हम वापस लिखते कैसे, इसको हम वापस लिखते कैसे हैं, तो कभी भी याद रखो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो दो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो आपको दिए थ्री टर्म्स में, उनकी सम किसके बराबर होती है, बीच वाले के ट्वाइस के बराबर होती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 (b) = 1/a + 1/c। ओके, आपको मैं समझ में आया है, ऐसे में समझता हूँ। ठीक है, खतरनाक समझ में आया आपको, कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है सर, और एक आपने इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात की है, ओके, और आपने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात की है, क्या है वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट यह है, और मैंने लिखा है वहां पे a1 a2 a3 up to so on an, ये हमारा एपी एचपी है। तो कभी भी याद रखो, इस वाला सिक्वेंस के फॉर्म में आपको दिया है एचपी, तो ये कंडीशन सैटिस्फाई होगी यहाँ पे, कौन सी, मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, कौन सी, a1 a2 + a2 a3 + a3 a4 + up to so on, लास्ट की सेकेंड लास्ट टर्म लिखो an - 1 an = फॉर्मूला बनता है n-1 (a1an) a1 an, थोड़ा सा a को अच्छे से निकालते हूँ, तो बोलोगे आप कैसे भी निकालते हो सर। ठीक है, तो ये बनेगा a1 an। ठीक है सर, सर इसके आगे वाली स्टेप क्या बनेगी, ओके, ये आपको यूज कैसे करना है सर, इसका यूज कैसे करना है, ठीक है, बताते हैं, एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करना है। सिंपल देखो,
यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लेते हैं हम, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, 2xyz7 R in HP, ठीक है सर, ये HP है, तो ये वाला फॉर्म इधर यूज करो, करते हैं ना, देखो 2x plus xy plus yz plus 7z is equal to, कितने नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5, यहाँ पे आएगा 5 minus 1, और a1 क्या आपका a1 है 2, और लास्ट की टर्म आपकी an, लास्ट की टर्म क्या 7 है, तो 2 into, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं, into 2 into 7, ठीक है चलो, 5 minus 1, 4, ओके, और 7 2 14, 14 4 56, this is the answer. ऐसे हम बहुत सारे कंडीशन में इसका यूज कर सकते हैं, ये वाला मैंने एग्जांपल आपको समझने के लिए लिया, आप उसको अच्छे से समझ कर ले लीजिए, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट आपको इससे डिस्कस करने हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेने हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, ठीक है, ओके चलो, ओके जाते आगे, जाते कुछ डाउट नहीं, चलो ठीक है जाते आगे, ओके चलो एक खतरनाक वाला क्वेश्चन लेते हैं, खतरनाक वाला क्वेश्चन, चलो सर, इफ A1, A2, A3 आपको एक सीक्वेंस दिया है, बी अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और आगे क्या दिया है उन्होंने, विथ A1 इज इक्वल टू 5, A20 इज इक्वल 25, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, आपको लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है और वो n की वैल्यू होगी, और विच an लेस देन 0 इज, ये क्वेश्चन IIT JEE मींस JEE एडवांस में आया क्वेश्चन है 2012 में, ठीक है चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का, पहली बात क्या क्या दिया है आपको, हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया है, A1, A2, A3, ठीक है चलो लिखते हैं, ये आपका है A1, A2, A3, A4, सर लास्ट कहाँ तक जाओगे इसको, A20 तक जाओगे, ठीक है इसको मैं बोलूंगा HP, ठीक है ओके, इसको कन्वर्ट किस में करेंगे हम, कन्वर्ट किस में करेंगे, AP में कन्वर्ट करेंगे बराबर, तो इसका AP फॉर्म क्या होगा, 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/A4, ओके अप टू सो ऑन, ओके लास्ट में रहेगा 1/A20 बराबर, ये लास्ट टर्म है, उसको हम T20 भी बोल सकते हैं, वर्ल्ड कप नहीं ये आपका बनेगा AP, ठीक है सर, सर आपको A1 की वैल्यू दी आपने, पुटआउट नहीं की, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, 1/5 मीन्स ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म, क्या है आपकी वो, फर्स्ट टर्म, ठीक है सर, और इसकी वैल्यू भी आपको दी गई है, तो वैल्यू क्या है वो, 1/25, इसको मैं बोलूँगा लास्ट टर्म, क्या बोलूँगा, लास्ट टर्म, ठीक है सर, ये हमारी लास्ट टर्म है सर, इसके बाद हम क्या करेंगे, T20 वाला फार्मूला यूज करेंगे, T20 वर्ल्ड कप, ठीक है चलो T20 वर्ल्ड कप का वाला फार्मूला सॉल्व करते हैं, T20 इज इक्वल टू, अरे सर T20 tan T इज इक्वल टू 1/5, ठीक है प्लस 19 minus 1, सॉरी सो क्लोज, सो क्लोज 20 minus 1 into D, D की वैल्यू पता नहीं है हमें, ओके तो T20 इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 19 D, T20 मीन्स इसको इसका ही मतलब क्या होता है T20, ओके तो वैल्यू दी है 1/25 इज इक्वल टू 1/5 प्लस 19 D, ठीक है सर, सर इसके आगे वाला पार्ट क्या होगा, अरे सब्सट्रैक्शन करो खतरनाक, तो 19 D इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/5, तो क्या हो जाएगा सर, इसका बनेगा 25 1 25, 5 5 25, ओके तो मैं LCM निकालता हूँ तो क्या बनेगा सर, यहाँ पे बनेगा 1 minus 5 upon 25 बराबर ना, ओके सर,
सर इस वाले पार्ट को मैं इधर करता हूँ, ठीक है, इसके आगे, तो क्या बनेगा सर? यहाँ पे बनेगा 19D इज इक्वल टू -4/25। तो D की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? D की वैल्यू आपको मिलेगी -4/19×25। ठीक है, ये हमारे D की वैल्यू है। ठीक है सर, सर इसके आगे सॉल्व कैसे करेंगे? इस वाले पार्ट के आगे सॉल्व कैसे करेंगे? आपको ये वाला पार्ट फाइंड करना है, बराबर ना? तो जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है सर, सर अब देखो यहाँ पे एक बात कंफर्म है कि लास्ट की टर्म हमने क्या मानी थी, 820 मानी थी, बराबर। तो लास्ट की टर्म एज कंपेयर टू आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, an लेस देन 0 दिया, तो an हमारा समझो HP है, तो वो उसको AP में कैसे लिखोगे? 1/n। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 1/n इज इक्वल टू 1/5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू थी -4/19×25 बराबर, और उसके लेस देन में जरूर लिखो जो आपको कंडीशन दिए उसका हम यूज करने वाले हैं। ठीक है सर, सर इसके आगे इसको इस साइड लेके आओ 1/5 को, तो क्या बनेगा एन माइनस 1, ओके, तो -4/19×25, ओके सर, सर लेस देन ये माइनस बन जाएगा तो -1/5। ठीक है सर, अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में माइनस साइन में निकालूंगा तब यो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो एन माइनस 1, ओके, तो वो लिखूंगा मैं 4/19×25, ठीक है, ग्रेटर देन 1/5। ठीक है सर, 5 1 5 5 5 25, देन इसके आगे होगा एन माइनस 1 इंटू 4/19×5, ओके, ग्रेटर देन 1। इसको इस साइड लेके आओ, इस वाले पार्ट को इस साइड लेके आओ, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो फॉर्म क्या बनेगा सर? सर फॉर्म क्या बनेगा, थोड़ा सा इसमें, ठीक है, तो आपका फॉर्म क्या बनेगा? फॉर्म बनेगा सर n माइनस 1, ओके, n माइनस 1 ग्रेटर देन 19×5/4। माइनस 1 को इस साइड लेके जाओ तो प्लस 1 हो जाएगा, तो n ग्रेटर देन 19×5/4 प्लस 1, ओके, तो यहाँ पे आगे आप ऐसे कर सकते हो आगे, एन ग्रेटर देन, ओ माय गॉड, ओ भूतिया हना मावतिया, ओ ओ, ओके चलो ठीक है सर, इज अपॉन 4। ठीक है, चलो कैलकुलेशन मैटर वैदिक मैथ से मैं करता हूँ, अपने अपने दिमाग से करो आप सॉल्व। 5, ओके, 5 5 5 5 5 4 9, ओके, देन होगा, ओके, देन आएगा वहाँ पे 2, मीन्स यहाँ पे आएगा n greater than 24 point something कुछ तो आता है, अब रिचेक करके देख सकते हैं, इसको रिचेक करो आंसर को, ओके, बट एक बात याद रखिए, आपको n की क्या वैल्यू फाइंड करनी है, लीस्ट पॉजिटिविटी, लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है n की, तो यहाँ पे लीस्ट की, n की लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 25, दिस इज द आंसर। ठीक है, ओके, आपके ऑप्शन में 25 हैं, है, चलो ठीक है, ओके, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दिस इज द आंसर। ठीक है, खतरनाक क्वेश्चन था, आपको समझने के लिए मैंने लिया था, ठीक है, आप पटक पटाफट आप उसको इजी वे से कर सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए सर, ठीक है, ओके सर, ओके ओके सर, मैंने आगे क्या लिखा है, देखो अरिथमेटिक मीन am दिया है और मैंने एक सिंगल टर्म सिंगल m लिखा है, सिंगल m क्या लिखा है, m ऑफ a एंड b, पहली वाली बात सिंगल m की बात की गई है और तीन फॉर्म्स लिखे मैंने, m ऑफ a एंड b कैसे लिखेंगे सर इसको, सिंपल है, a प्लस b अपॉन 2, यहाँ पे कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे होगा a प्लस b प्लस c अपॉन 3, यहाँ पे कितने, 4 है, तो a प्लस b प्लस c प्लस d अपॉन 4 हो जाएगा सर। ठीक है सर, चलो
वाला पार्ट आपको समझ में आता है ऐसे में समझता हूँ, समझ में आया ऐसे समझता हूँ, तो ठीक है ओके। यहाँ पे जरा लहरों के से लहरें लहरी लहरों से का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं वैसे हार नहीं होती, ठीक है चलिए ये वाला पार्ट आपको समझ में आया। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। इंसर्टिंग एन एन एम्स, इंसर्टिंग इंसर्ट करने आपको क्या करने हैं, इंसर्ट करने हैं, इंसर्टिंग एन एम्स बिटवीन ए एंड बी। चलो देखते हैं क्या है वो कंसेप्ट। पहली बात ये है कि आपको क्या करना है, उस एपी में दो आपको टर्म इंसर्ट करने हैं, और एम का मतलब क्या होता है, एक एपी आपको उसमें लिखनी है, ठीक है। तो एपी में लिखता हूं ए वन ए टू ए थ्री अप टू सो ऑन, ओके। थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते, तो यहाँ पे एन हो सकता है, ठीक है ओके। तो ये एपी है, तो ये पूरी एपी ये है, ये एपी है ना, तो ये पूरी क्या है, आपकी एपी है, ठीक है। ठीक है सर, सर ओ सर, इसमें इसको मैं क्या बोलूंगा, इस वाले पार्ट को क्या बोलूंगा, फर्स्ट टर्म बोलूंगा, क्या बोलूंगा, फर्स्ट टर्म। उसके बाद लास्ट टर्म ये है हमारी, हमारी क्या है, लास्ट टर्म, ओके। इसको हम लिख सकते हैं बी में, ठीक है सर। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सर, आपके ऑलरेडी एक दिए, दो आपके लिखे थे बिटवीन इंसर्टिंग टू, एक ऑलरेडी थी एपी वहां पे थी, तो वो एपी और ये एपी मीन्स एन प्लस वन प्लस वन, तो वो बनेगी एन प्लस टू, ठीक है ओके सर। सर इस बी का मतलब क्या है, आपने बताया नहीं, बी का मतलब क्या होता है, टी एन प्लस टू, मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, जब इसको हम लिखेंगे तो बी इज इक्वल टू ए प्लस एन की वैल्यू क्या है, टी एन प्लस वन, एन प्लस टू माइनस वन, एन प्लस एन माइनस वन, तो यहाँ पे वो बनेगा ओके। तो ये वाला फॉर्म कैसे बनेगा सर, वाला फॉर्म कैसे बनेगा सर, तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखता हूं मैं आपको समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे होगा b, ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा, d इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n प्लस वन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ d। यूज कैसे करना है मैं एग्जांपल में बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको समझ में आया, ऐसे में समझता हूँ, ठीक है ओके। इसमें किसी को डाउट है, डाउट है नहीं, चलो अभी इसका ही यूज एक चिंटू है, चिंटू से क्वेश्चन में कैसे करेंगे, मेंस बीन्स का नहीं, चिंटू सा क्वेश्चन देखते, चिंटू वाला क्वेश्चन क्या है, ठीक है हाँ, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखो हमारा क्या है, छोटी सा क्वेश्चन है, इंसर्ट 5 mm बिटवीन 3 and 13, आपको इंसर्ट करने हैं 3 और 13 को 5 terms में, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे सर, कैसे लिखेंगे 3 और 13, ये आपका एक पहली वाली जो आपको गिवन एपी दी गई है, और इसमें 5 mm को आपको क्या करना है, क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ A1, यहाँ पे लिखता हूँ मैं A2, यहाँ पे लिखता हूँ मैं A3, ओके। तो ये कितने हुए, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है अप टू सो ऑन, ठीक है ओके। चलो सर इसके आगे क्या होगा, सर आपने फॉर्म तो बताया, फॉर्मूला हमारा पीछे वाला क्या था, जो पीछे वाला हमने फॉर्मूला देखा था, उस फॉर्मूला में हमने डी को डिफाइन किया था, डी इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो जरा बताइए इसमें इसका यूज कैसे होगा। पहली बात ये क्या है हमारा, इसको हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे ए, क्या बोलेंगे ए, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है बी, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो डी वाला फॉर्मूला का क्या होता है हमारा, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, एन प्लस एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, ओके। तो बी क्या आपका, बी बी आपका है 13 माइनस थ्री अपॉन 13 माइनस थ्री अपॉन एन की वैल्यू 5, तो 5 प्लस 1, तो क्या बनेगा, 10 अपॉन 6 बराबर, तो 2 5 10, 2 3 6 में आंसर क्या आएगा, 5 अपॉन 3। अभी जो आपके गिवन एपीज है, आपके जो गिवन एपीज हम लिखते हैं, अभी देखो ए वन का मतलब क्या होता है, ए वन का मतलब क्या होता है, ए प्लस डी,
ए वन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म आपको ऑलरेडी वहां पे दी गई है, सेकेंड टर्म हमारी होगी ए प्लस डी, ओके। ए टू का मतलब क्या होता है, ए प्लस टू डी, ओके। ए थ्री का मतलब क्या होता है, ए प्लस थ्री डी, ओके। ऐसे कहां तक जाओगे आप, कहां तक जाओगे आप, जाओगे ए एन तक, इसका मतलब ए प्लस एन डी, ठीक है। सर सॉल्व कैसे करना है, आपके पास डी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, पुट आउट करके देखो पहले वाले पार्ट में। ए वन कैसे निकालेंगे सर, ए वन ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए की वैल्यू है थ्री प्लस डी की वैल्यू क्या है फाइव अपॉन थ्री, कल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो आंसर आ जाएगा थ्री थ्री जा नाइन, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन माइनस फाइव फोर, फोर अपॉन थ्री। ऐसे हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व सकते हैं, बट कहां तक, इस वाले टर्म तक उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास ए और डी की वैल्यू है, ठीक है। आपको आपको ये वाला पार्ट समझ में आया, ऐसे में समझता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नए पॉइंट के साथ मिलेंगे सुमित सर के साथ, और आपको ये वाला पार्ट समझ में आया है तो थम्स अप भेजो, और ओपी 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 ये भेजना जरूरी है। ओपी का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल पर्सन, मैं हूँ सुमित सर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए पॉइंट के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, अलविदा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अलग कंसेप्ट लेके हम मिलेंगे। और दूसरी बात आपको बतानी है, जो हमारा स्वराज इन्फिनिटी चैनल है उसमें क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बट भूलना नहीं है आपके हमारे यहाँ पे 11 12 के जो जेई मेंस वाले जो लेक्चर्स है, जेई मेंस के सीईटी हो नीट हो, उनके लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी आओ, मिल जाओ, टीम के साथ जुड़ो, तो आपका जो फिक्स गोल है वो आप गोल तक पहुँच सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।